नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ऐसा है जो मीडिया हमें नहीं दिखा रहा, लगातार छुपा रहा है? क्योंकि पिछले 10 दिनों में योगी सरकार के कम 9 मंत्रियों और विधायकों को जनता ने खदेड़कर भगाया है, और न सिर्फ खदेड़कर भगाया है बल्कि वहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। एक एक करके मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों। रह चुके पूर्व महेश शर्मा आए थे, तो उनका विरोध करते हुए काले झंडे के साथ काम के कुछ लोग मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। इस वीडियो में आप मोदी सरकार में मंत्री रहे और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा को देख रहे हैं। महेश शर्मा को वहां की जनता खदेड़कर भगा रही है, और न सिर्फ खदेड़कर भगा रही है बल्कि अखिलेश यादव जिंदाबाद और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जयंत चौधरी के समर्थक हों, समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, बिल्कुल हो सकता है। मगर इससे यह पता चलता है कि विपक्षी खेमा तमाम जगहों पर, अगर मैं उस थ्योरी को मान लूं कि जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष के समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं, इससे पता चल रहा है कि विपक्ष एक खास रणनीति के तहत उनकी जो तमाम हाई प्रोफाइल नेता हैं उन्हें घेर रहे हैं। किस तरह से महेश शर्मा को घेरा गया, आइए वीडियो देखते हैं। और बात यहां नहीं रुकती है, अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं संजीव बालियान से, केंद्र में मंत्री और जाट नेता और सांसद। एक वीडियो सामने उभर कर आया था दोस्तों, और उस वीडियो में संजीव बालियान कथित तौर पर यह कह रहे थे कि पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं। वो वीडियो मैंने भी देखा है। अब जैसे ही 4 PM न्यूज ने उस पर खबर की और वो लगातार वायरल हो गया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि कई जगहों पर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जिस इलाके से संजीव बालियान साहब आते हैं, पंडितों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। नतीजा, संजीव बालियान साहब को सामने आना पड़ा और यह कहा कि वीडियो में छेड़खानी की गई है, यह वीडियो नकली वीडियो है, मगर अगर फिर भी किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। अरे भैया, अगर आपको लगता है वीडियो नकली है तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं? सबसे पहले सुनिए संजीव बालियान क्या कह रहे हैं। कुछ समय से मैं लगातार देख रहा हूं, एक 4 PM नाम का न्यूज चैनल चलता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग तरह से रोज खबरें प्रसारित करता है। ब्राह्मण समाज, जिसका के मैं और मेरा समाज सबसे ज्यादा आदर करता है, जिनको हम हमेशा पूजते हैं, उनके मेरा नाम से एक फर्जी वो चलाई गई है जो एडिटिंग करके चलाई गई है। मेरा सबसे निवेदन है, कोई भरोसा ना करे, आपने मुझे 7.5 साल यहां देखा है, मैं इस समाज का कितना सम्मान करता हूं, मुझे परिवार से विरासत में सम्मान, ब्राह्मण समाज का सम्मान हम करते आए, कहीं कोई इस पर विश्वास न करे, एडिटिंग है प्योर। और मेरा एक निवेदन है, अगर फिर भी किसी को इस बात का कहीं इतनी सी भी ठेस पहुंची हो तो गलती उसकी है, लेकिन खेद में व्यक्त करता हूं, मैं कभी हमेशा इस समाज का सम्मान किया और हमेशा इस समाज का सम्मान करता रहूंगा। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं उस वीडियो का करीब 30-40 सेकंड, आप देखिए। और इसमें एक नहीं दो बार ऐसा लग रहा है कि संजीव बालियान साहब कह रहे हैं कि पंडितवाद मुर्दाबाद कहिए, सुनिए। जिस पत्रकार, यानी कि जिस अखबार या एजेंसी 4 PM पर वो हमला कर रहे हैं, उनके पत्रकार संजय शर्मा अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि मैं संजीव बालियान साहब से कहता हूं कि अगर ये फर्जी है तो वो इसकी जांच कराएं और उन पर FIR दर्ज करें। और बिल्कुल मुझे लगता है कि संजीव बालियान साहब को यही करना चाहिए कि अगर वीडियो में छेड़खानी की गई है तो आपको जो है उसकी जांच करानी चाहिए। मगर इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी को अमूमन पिछली बार करीब 100 से ऊपर सीटें मिली थीं, वहां उसकी हालत कमजोर दिखाई दे रही है।
इनके नेता, इनके विधायक जहां पर भी जा रहे हैं उन्हें जो है उनसे सवाल किया जा रहा है और उन्हें घेरा जा रहा है। और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां उनकी ये हालत हो रही है। मसलन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ललन टॉप के पत्रकार अंशुल सिंह ने यह वीडियो डाला है। वो कह रहे हैं, उरई में जब जनता ने भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा के 5 सालों का हिसाब मांगा तो विधायक जी हिसाब दिए बगैर ही निकल गए। ये वीडियो देखिए दोस्तों और देखिएगा किस रक्षात्मक मुद्रा में भाजपा के विधायक दिखाई देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल जल्दी आओ, कोई लोग थोड़ी ना रहा है भाई। पूछ रहे आप 5 साल में क्यों नहीं आए? 5 साल में नहीं आए, 5 साल में 10 बार हो गए। 10 बार किन के पास हो गए? इनके दरबार यहाँ कहाँ आए? झूठ मत, नहीं नहीं झूठ नहीं, ईमानदारी में 2 बार तो दर्शन कर गए हम। दो इसी मंदिर का आपने विरोध किया था जिसका आप दर्शन कर रहे हैं? आपने बिल्कुल किया विरोध, आपने बिल्कुल विरोध किया। मैंने कभी इस तरह का नहीं कहा। मुझे हैंडपंप के लिए हमारे पास कम से कम 4-5 लोग गए, मेरा भी था उसमें। हैंडपंप बंद हो गए, नहीं लगे हैंडपंप बोल रहे हैं। कहा है ये, कौन सी बात हुई? हैंडपंप जब आई नहीं है बेटे, देखो देवन जी यहाँ का रिवो यहाँ का कहाँ गया? रिवो नहीं, रिवो कहाँ गया? नया हैंडपंप लगा है, आने के बाद कट गया हैंडपंप। ये कोई बात हुई? बात छोड़ के भाग रहे हो यहाँ से। और अब भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एक बार फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाकर वो चुनाव जीत जाएंगे। और वही उनके तेवरों में भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं दोस्तों। देश का दूसरा सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी और उनका न्यूज चैनल खुलेआम किस तरह का जहरीला कार्यक्रम चला रहा है आपकी स्क्रीन पर। दंगा मॉडल वर्सेस बुलडोजर मॉडल, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। यानी कि आपने समाजवादी पार्टी को दंगा मॉडल बता दिया और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर मॉडल। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां कुछ कमी है क्या? जब वो खुलेआम आपको दंगे ही बता रहे हैं तो आप इन न्यूज चैनल्स में डिबेट में शिरकत करने क्यों जाते हैं, बताइए ना। तो देखिए, न्यूज चैनल्स अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट पढ़िए और इस ट्वीट में यह तस्वीर देखिएगा। इसमें आप भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक मोटरसाइकिल पर देख सकते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कमल खिलाने आया हूं। यहां पर स्वतंत्र देव सिंह के सिर पर हेलमेट नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी तरह से हेलमेट के बगैर गई थी, तो जो उस गाड़ी का मालिक था उस पर इन्होंने केस दर्ज कर दिया था। और यहां पर खुलेआम इस तरह से ये भ्रमण कर रहे हैं बगैर हेलमेट के। चुनाव आयोग एक अरसे से सोया ही हुआ था। आप देख रहे हैं कि भाजपा के नेता खुलेआम कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, और भाजपा के नेता भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। और यही नहीं, भड़काऊ बयान तो दे रहे हैं, उनकी बौखलाहट, उनका डर सामने उभर कर आ रहा है। मानो वो कोशिश कर रहे हो कि भाई समाज में किसी तरह से अराजकता पैदा हो जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि भैया जीत का रास्ता इसी अराजकता के जरिए जाता है। मसलन आप देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का ये बयान, इसमें सिवाय बौखलाहट के और कुछ नजर नहीं आ रही है। लाल टोपी का मतलब दंगा, लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर, लाल टोपी का मतलब राह चलते नागरिकों के साथ रहजनी, लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और पंप सेट का चोरी हो जाना। पहली पंक्ति पर गौर कीजिए, लाल टोपी का मतलब दंगा। अब आप समझे कि मुकेश अंबानी का चैनल वो कार्यक्रम क्यों चला रहा था। और फिर दोहराना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात, खुलेआम चैनल उन्हें दंगाबाज बता रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता टीवी पर दिखने के लिए उस डिबेट में शिरकत भी कर रहे हैं। मगर दुविधा है इनकी,
दिक्कत क्या है कि मुख्यधारा का न्यूज चैनल एक तो वैसे ही नहीं दिखा रहा है विपक्ष को, अखिलेश क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कर रही है, वैसे ही नहीं दिखा रहा है। दिखाया किसको जा रहा है? अमित शाह को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विपक्ष वैसे ही नहीं दिखाया जा रहा है, और दिखाया भी जा रहा है तो बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि अभी आपने देखा। यानी कि अगर आप न्यूज चैनल्स को देखें तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अपराधियों के साथ है, जबकि आपको गौर करना पड़ेगा दैनिक भास्कर का ये जो कार्टून है वो क्या कहता है। उन्होंने फिल्म कांटों की तर्ज पर ये कार्टून बनाया है, और यहां आप देख सकते हैं संगीत सोम, केशव प्रसाद मौर्य, नंद गोपाल नंदी, सतीश द्विवेदी, वो तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी का आपराधिक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता ये तस्वीरें देखे, मगर शुक्र है कुछ न्यूज चैनल्स या कुछ समाचार पत्र हिम्मत करके इस तरह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और हम भी आपके सामने हकीकत और ऐसी तस्वीरें लाते रहेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।